सर आ चुके हैं अपनी लाइफ की थर्ड हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए और लेके चलते हैं आपको भी। चलो डिंग कसाया दा सैना मित्र प्यारे सरदार जी अपने डॉग्स को भी लाए हुए हैं। डॉग्स को भी साथ ही ले दर्शन करने। लेजेंड बता रहा था ना, शुरू से बताता हूँ, लैंडस्लाइड बहुत हुई है यार। ये देखो पूरी की पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवा के आना, उसके बिना आगे नहीं जाने देंगे। हैवी मत खाना कुछ भी, परांठा वगैरह कुछ मत खाना अपना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? सबसे सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सर गुड मॉर्निंग है सबको, गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब से। एंड यहां से अब हम लोग यात्रा की स्टार्ट कर रहे हैं आगे हेमकुंड साहिब की। सो आज की हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब, वहां तक जाएंगे। क्योंकि ये जो हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है ये दो पड़ाव में होती है, पहले गोविंद घाट से गोविंद धाम एंड उसके बाद गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब, जो कि नेक्स्ट डे होगी। तो आज हम लोग वहां पे जाके रेस्ट करेंगे और अभी निकल रहे हैं। टाइम हो गया है 9:30, अराउंड 10 बजे तक निकल जाएंगे। अभी गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी करवाते हैं क्योंकि रात को हो ही नहीं पाए थे, बंद हो गया था। और अब लंगर भी छकना है और हल्का हल्का बिल्कुल जो भी जाएगा ना बिल्कुल लाइट छकना, क्योंकि रास्ते में फिर आपसे यात्रा नहीं हो पाएगी। अब हम लोग जा रहे हैं यात्रा के लिए, तो क्लॉक रूम में हम बैग सबमिट करवा रहे हैं। क्लॉक रूम जो है वो गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने ही है और जब भी यात्रा पर जाओ तो यहीं पर सबमिट करवा दो और हम भी यहाँ पर सबमिट करवाते हैं, फिर आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी करवाता हूँ और आगे यात्रा भी कंटिन्यू करते हैं। फाइनली यार लंगर छक रहे हैं, लंगर छकने के बाद यात्रा स्टार्ट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा ही छकेंगे बिल्कुल। सो यार यात्रा की स्टार्टिंग कर रहे हैं गुरुद्वारा गोविंद घाट से और लंगर हमने छक लिया, बिल्कुल लाइट लाइट छकना आप भी। तो चले भाई बोले सोने हाल सच या काल। अब यहाँ से ऊपर से हम लोग चले जाएंगे और अपना टैक्सी कर लेंगे। लास्ट ईयर तो भाई पैदल चले गए थे, लेकिन इस बार दो यात्रा जो हो रही है ना हमारी, तो फिर इतना वो नहीं है हमारे पास चलने का। और पता नहीं, देखते हैं भाई कैसे बाबा जी अपने आप लेके जाएंगे, अपने आप लाए हैं यहाँ तक तो वो भी ऊपर तक लेके जाएंगे दर्शन के लिए और ऊपर टैक्सी कर लेंगे भाई 50-50 रुपीज़ में। मैं ऊपर जाके दिखा दूँगा आपको। जैसे ही आप गुरुद्वारा साहिब पे ऊपर आओगे ना तो आपको यहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी ब्रिज है सामने वहाँ से, और 50 रुपीज़ ईच लेते हैं और 4 किलोमीटर से आपको आगे तक ले जाएंगे और फिर वहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। टैक्सी ने यहाँ तक छोड़ दिया पुलना गांव तक, अब यहाँ से आगे सारा वॉकिंग होने वाला है। यार आपको एक अपडेट और दे दूँ, ये जो लेफ्ट में आपको पार्किंग दिख रही है सारी बाइक वगैरह की, जो जो लोग बाइक पे आ रहे हैं वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको नीचे नहीं लगानी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ले आना 200-300 रुपये डे के हिसाब से। तो ये अपडेट देनी थी भाई। जब भी यहाँ पे आना तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवा के आना, उसके बिना आगे नहीं जाने देंगे। तो हमारे पास तो हमने दिखा दिया अब भाई। अरे भाई यात्रा स्टार्ट चलो भाई। बोले सोने यार। सच यार। और आप ये यात्रा ना हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हो, जो कि 3000 समथिंग चार्ज पड़ता है और अपना। बट यार हेलीकॉप्टर ना आपको सिर्फ और सिर्फ गोविंद धाम तक ही लेके जाएगा, उसके ऊपर आपको घोड़ा या पिट्ठू करना पड़ेगा। सर ये देख लो, यहाँ से फाइनली यात्रा स्टार्ट हो गई है। जैसे ही यात्रा के ट्रैक पर चढ़ोगे यहाँ पर आपको घोड़ा स्टैंड मिल जाएगा और घोड़े के रेट वगैरह मैं पूछ के बताता हूँ। क्या चार्ज रहता है घोड़े का? 1900 रुपया गोविंद धाम तक। और उससे ऊपर? उससे ऊपर 1600 रुपये। 1600 रुपये वो अलग लेना पड़ता है वहाँ से। शेयर मैंने रेट आपको बता दिया 1900 गोविंद धाम तक के, यहाँ से आप ले सकते हो भाई। ये देखो रास्ता, हालत भाई बिल्कुल टाइट हुई पड़ी है और पैरों ने अभी तक जवाब दे रखा है। बाकी देखते बाबा जी अपने आप लेके जाएंगे। यार आपको ना हेमकुंड साहिब की यात्रा में एक चीज़ का फायदा रहेगा, यहाँ पे भीड़ और हॉर्सेस दोनों ही कम है, तो उस चीज़ से आप लोग यहाँ पे सेफ रहोगे और खाली खाली रहेगा आपको ये वाला ट्रैक। चढ़ाई तो उतनी ही है और आप देख ही रहे हो, मैंने आपको
केदारनाथ की भी यात्रा दिखा दी, अब हेमकुंड साहिब की भी, और इस बार दोनों साथ। पता नहीं क्या डिसीज़न लिया हमने जो दोनों साथ करने की। और बाकी फ्रेंकी और जसपाल पीछे, कोई नहीं, धीरे धीरे करके सारे एक साथ पहुंच जाएंगे। सो बीच में आपको ना ब्रेक के लिए शॉप भी मिले होंगे, शेड्स वगैरह, आप उस पर भी आके रेस्ट कर सकते हो आराम से। बाकी मेरी बात मानना, रेस्ट बैठ के करने के बजाय खड़े खड़े कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जिससे ना आपको बैठ गए तो वही बोलूँगा, बैठ जाओगे तो रेस्ट मिल जाएगा ज़्यादा बॉडी को, फिर वो चलने का मन नहीं करेगा। खड़े खड़े करोगे कितना आएगा मौसम पे, ठंड आएगी हो गया थोड़े दर्शन हाँ, दर्शन हो गया। चंडीगढ़ तो कितना आएगा, दस के ना की आएगा नहीं दसना, कोई गल नहीं, दस के ओके जी। सो मैं बता रहा था ना, बैठना बस बस खड़े खड़े रेस्ट कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोले सोने वाले सचिया काल। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओड़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। मतलब यार यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए होर्डिंग्स लगा रखी हैं, धीरे चल राही मंजिल आ ही जाएगी, धीरे धीरे चलते रहो और मंजिल आपकी पहुँच जाएगी। यहाँ पे केदारनाथ की यात्रा से शॉप्स भी नहीं है ज़्यादा और घोड़े वगैरह भी बहुत कम है, तो यहाँ पे ये बेनिफिट होने वाला है आपको। यार इस बार काफ़ी चीज़ें न्यू हैं, और पहले वो रास्ता तो था ये वाला, यहाँ से सीधा जाया करता था लेकिन वो टूट गया, तो अब ये न्यू रास्ता बना दिया। ये चीज़ें तो नॉर्मल है यहाँ पे, काफ़ी बनते हैं रास्ते टूटते हैं, लेकिन यहाँ पे फटाफट बना देते हैं संतों के लिए। बताया ना मैंने, वो देखो न्यू रास्ता, ये वाला न्यू रास्ता बनाया, वो वाला देखो पूरा का पूरा टूट गया, और मतलब ये भी सही है संतों के लिए, साथ के साथ बना भी दिया फटाफट। यार मेरे को लग रहा है ये वाला रास्ता ना बिल्कुल ही इंस्टेंट बनाया गया है, क्योंकि देखो कितनी ज़्यादा ढलान सी है, और वैसे वो वाला रास्ता ज़्यादा इजी था बट टूट गया तो क्या कर सकते हैं। वो वाला रास्ता सामने से आ रहा था, वो बिल्कुल टूट चुका है और लिखा भी हुआ है। यार हमें मुझे चले हुए अराउंड हाफ एन आवर से ऊपर हो गया, और 2 किलोमीटर्स भी हो चुके हैं, और यहाँ पर देख लो शॉप्स आ गई हैं। यहाँ पर ना शॉप्स जो आएंगी वो एवरी 2 किलोमीटर्स 1 किलोमीटर के बाद आएंगी, बीच में कोई आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आओ बस, यार हैवी मत खाना कुछ भी, परांठा वगैरह कुछ मत खाना, अपना आराम से लाइट लंगर छकना और उसके बाद ही चलते रहना। जितना हैवी खाओगे आपको आलस आएगा, आप नहीं चल पाओगे। सो यार मुझे इस ईयर एक चीज़ और न्यू दिखी, यहाँ पे शरदाई भी मिल रही है और बहुत हेल्दी चीज़ होती है, सब कुछ मिक्स होता है इसके अंदर, कैशू वगैरह सब कुछ। और मैंने भी अपना गिलास बनवा लिया, कितने का गिलास, 60 रुपये का। और इससे थोड़ी एनर्जी वगैरह मिल जाएगी। सर मैंने पहली बार पिया और इससे कहते हैं एनर्जी भी आती है, तो आप लोग भी आके ट्राई वगैरह कर लेना, देखते हैं भाई कितनी एनर्जी देता है ये चीज़। बाकी स्वाद था पीने में, ट्राई कर सकते हो आप लोग भी। और सारी ड्राई फ्रूट्स नहीं है देखो, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। यार उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होता है, और पी लिया भाई, देखते हैं एनर्जी भी तो थोड़ी बहुत आ गई अंदर, ठंडक वगैरह मिल गई है। और यार यहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलने वाला, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जियो का मिलेगा वो भी ऊपर जाके, वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तक कोई नेटवर्क नहीं है फ़ोन में। तो बाकी शॉप्स हर किलोमीटर के बाद आई जा रही हैं, बाकी खाली पड़ा है पूरा रास्ता। और बारिश, मेरे को लग रहा है भाई बारिश स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बादल आ चुके हैं ऊपर,
बाकी ना आए तो बढ़िया यार, नहीं तो फिर रेनकोट निकालना पड़ेगा, दिक्कत हो जाती है यार। अब तो एनर्जी आ गई है और वो पीने के बाद अब तो मैं खींच दूंगा मीटर जहाँ तक खींचा गया। ये साइड में फ्रूट वगैरह की शॉप है ना, आप लोग ये प्रेफर कर सकते हो रेदर देन मैगी वगैरह के, उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर मैगी वगैरह खाओगे उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी बल्कि और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो फ्रूट्स, नींबू पानी, लिक्विड डाइट लेते रहो बस आराम से और चलते रहो। ये देखो रास्ते में ऐसे ऐसे बहुत से वाटरफॉल आपको दिखेंगे प्यारे प्यारे, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो यार यहाँ पे सरदार जी अपने डॉग्स को भी लाए हुए हैं, डॉग्स को भी साथ ही ले दर्शन कराने। कितने आए हो जलंधर तो? देखो ये देखो सही है यार, इन्होंने भी दर्शन कर लिए गुरु महाराज जी के, मतलब सही है यार, कितने प्यारे पेट्स थे वो दोनों आए हुए थे यात्रा करने और उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मतलब उनको बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ तक आने का मौका मिल रहा है। अब रास्ता देखो यार कैसे हो गया, एकदम सीढ़ियाँ आ गई है बिल्कुल स्ट्रेट, ये ज़्यादा थका देती हैं यार बंदे को बहुत ज़्यादा। रास्ते में यार आपको मेडिकल कैंप की भी मिलती रहेगी फैसिलिटी थोड़े थोड़े देर बाद, मेडिकल से रिलेटेड भी कोई इशू वाली बात नहीं है आपको, अपना बस आप मेन फोकस रखो कि आप चलते रहो आराम आराम से और लिक्विड पीते रहो। सर मैं अपनी थर्ड यात्रा कर रहा हूँ एंड मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लगती है, क्लीनलीनेस बहुत है, हर जगह इको डेवलपमेंट वाले खड़े हैं, साइड में डस्टबिन भी है, इवन वो सारा इकट्ठा भी करते जा रहे हैं। तो यार एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो पीछे ना शॉप्स आएंगी साथ में मेडिकल कैंप लिखा होगा, वहाँ से नया रास्ता जा रहा है, हम लोग पुराने रास्ते से ही जाएंगे क्योंकि यार ये शॉर्ट पड़ता है और वो वाला बहुत लॉन्ग हो जाता है 2 किलोमीटर फालतू, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार देख लो भाई अपनी चना चाट ले लिया, बढ़िया चीज़ है यार एनर्जी देगी, और मैगी वगैरह से तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मैगी मत खाओ ये खाओ भाई और अपना चलते रहो बढ़िया से। वो देखो यार वो जा रहा ऊपर से, वो यार बहुत ज़्यादा ना उसकी चढ़ाई बहुत है, तो यही वाला रास्ता ही प्रेफरेबल है भाई, देख लेना आपको जहाँ से सूटेबल लगे वहाँ से चले जाना, मैंने आपको बता दिया ये थोड़ा शॉर्ट है वो थोड़ा लॉन्ग है। सो फाइनली यार हमारा हाफ वे कम्प्लीट हो गया है एंड यार एक चीज़ है, रास्ता तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही टूट गया है, पहले ना पूरा हुआ करता था, कच्चा हुआ करता था, अब यहाँ से बना दिया गया, मतलब तीसरा साल है मेरा और हर साल में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, क्योंकि माउंटेंस में ना ये सब चीज़ें आम बात है और ये सब चीज़ें लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती हैं। बाकी यार चलते जा रहे हैं हम लोग, और यार ये देखो यार एक बार फ्लो चेक करो भाई, और लोग ना नीचे जा रहे हैं, बेकार है, नीचे जाना रिस्की है, नीचे मत जाओ यार क्योंकि यार कुछ नहीं पता वाटर कब तेज़ हो जाए, कौन सा पत्थर नीचे आ जाए, तो प्लीज़ अवॉइड करना नीचे जाना। पहले मैं जाता था लेकिन 2 साल से मैं भी नहीं जा रहा, इस बार भी नहीं गया क्योंकि आप खुद देख सकते हो यार कितना ज़्यादा फ्लो है इसका। यार हाफ वे कम्प्लीट हो गया है और अच्छे से यात्रा जा रही है, और यहाँ पे एक शॉप आई थी रिवर साइड के ऊपर जाके, और इसके आगे तो पूरी खड़ी चढ़ाई है, तो अभी कुछ खा रहे हैं थोड़ा बहुत और लिक्विड वगैरह ले रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट आप भी लेना यार रास्ते में, और मैं पहली बार बैठा हूँ, बाकी मैं तो मना करता हूँ बैठने के लिए, खड़े खड़े रेस्ट करो वो सबसे बेस्ट है, आपको थकावट नहीं होगी, बाकी आराम से पहुँच जाएंगे कोई जल्दी नहीं है, तो इसलिए थोड़ी देर बैठ गए हैं आराम से, थोड़ा चाय वगैरह पी रहे हैं। यार ब्रेक के बाद दोबारा से चल पड़े और बारिश भी आ चुकी है यार, फिर यार जिसका डर था भाई वो हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई है, हमने अपना रूप बदल लिया था, रूप बदल लिया, जादू बन गया, जादू हम बालू बन चुके हैं, जादू नॉट बालू, धूप की तलाश में फिर से जादू निकल चुके हैं, बट यार क्या करें ये भी ज़रूरी है डालना, एक और जादू आ गया, क्या चाहिए भाई, धूप, धूप चाहिए धूप। तो ये यार ये जो न्यू वे है ना जो मैंने आगे से दिखाया था, ये आ रहा है ऊपर से रास्ता, ऊपर थोड़ा बस यार ब्रिज बना दिया पक्का, यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो फोटो जो देंगी, बट शॉर्टकट ये पड़ता है और हम तो भाई लेट हो ही चुके हैं, तो शॉर्टकट वो वहाँ से भी चले जाते हैं, यहाँ से भी चले जाते हैं, एक ही बात आने वाले टाइम में ये रास्ता बिल्कुल बंद कर देंगे भाई, प्रॉपर हो जाएगा पूरा। सर ये डालने के बाद तो भाई गर्मी सी लगने लगती है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी लग रही है, और ऊपर से स्वेटशर्ट भी डाल लिया क्योंकि एकदम से ठंड लग रही थी और अब फिर से गर्मी लगने लगती है, बट ठीक है यार प्रोटेक्शन अपने हाथ में है, बारिश वारिश से बच जाएंगे, और वगैरह वैसे ही गिले होते आ रहे हैं 2-3 दिन से, तो काम का बीमार पड़ गया तो वो ज़्यादा दिक्कत है ना। ये देखो यार इस पर लेजेंड बता रहा था ना, शुरू से बताता हूँ, लैंडस्लाइड बहुत हुई है यार, ये देखो पूरी की पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है ऊपर से लेकर नीचे तक, और पता क्या ये मतलब विंटर्स में हो गया सारी की सारी, देखो तो सही यार कैसे हुआ पड़ा।
यार हमने तो ले लिया यहाँ से शॉर्टकट, वहाँ से बहुत घूम के जाना पड़ेगा। बाकी शैंकी उधर से जा रहा है तो हमने यहाँ से ले लिया। देखते हैं भाई कितनी पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, बस ले लिया। और आप लोग मत लेना भाई। सर ये देखो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी है ना, तो भालू वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे वार्निंग भी लिखी हुई है। देख ले शेंकी जल्दी चल ले, भालू आ जाएगा नहीं तो पकड़ के ले जाएगा तेरे को, अकेले नहीं छोड़ना तेरे को, ग्रुप में लेके चलना। स्पेशल वार्निंग लिखी हुई है, ग्रुप में लेके चलो छोटे बच्चों को खास कर। छोटा है ना तू, तभी साथ साथ आ जा मेरे फटाफट। सर वार्निंग वगैरह भी दे रखे क्योंकि यहाँ पे ना फॉरेस्ट है आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हो भी सकते हैं। और भालू तो यहाँ पे दिखते हैं, आम बात है यहाँ पे। यार ये देखो, ये देखो, ये सारा का सारा जो ऊपर वाटर बॉटल के प्राइसेस जो हाई होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो घोड़ा वगैरह से जाता है ना, तो इस वजह से एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है। तो यार ठीक है, ज़्यादा बार्गेन मत किया करो, उनके भी वो हैं क्योंकि इनसे जाते हैं, क्योंकि ऊपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा प्राइसेस हाई रहते हैं वहाँ के। सर आपको एक और एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आपको हर बार इस लोकेशन पे आके दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर जंगली मधुमक्खी के छत्ते हैं भाई, बहुत सारे हैं, 1 2 3। ये वाला तो इनका परमानेंट घर ही बना हुआ है यहाँ पे, जब भी आओ हर साल दिख जाते हैं। यहाँ पे पूरी यात्रा में पानी की भी फैसिलिटी है और वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी है, और इवन हॉर्सेस के लिए भी फैसिलिटी दे रखी है पानी की। तो अपने आराम से आओ, बॉटल रख के आना, बार बार परचेज़ करोगे कितने की परचेज़ कर लोगे, 50-60 ऐसे हो जाएगी प्राइसेस, तो एक बॉटल रख लेना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यात्रा कर रहा था मैं और इधर मुझे एक चीज़ दिखी, ये देखो, कोई ऊपर से पानी नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके रूट से आ रहा पानी। ये देखो, देख रहे हो यार, ये भी एक मैजिक है। और ये वाला वाटर आप पियोगे ना अगर, तो बहुत बढ़िया है, बिस्लेरी में भी नहीं मिलेगा ऐसा पानी। ऊपर से देख लो ना, कुछ भी नहीं है और नीचे से ही निकल रहा है बस। शायद जो भी आ रहा है ना, थोड़ा सा देख के आना इस बारी, क्योंकि पूरे रास्ते में ये देखो ये पूरा बना रखे हैं, टूट गया होगा, कंस्ट्रक्शन कर रखी है पूरी। ये देखो यार कुछ ज़्यादा इस बार पूरा का पूरा रास्ता टूट रखा है, और उसको कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं सीमेंट लगा के, ताकि यात्री उसके लिए सुविधा बनी रहे। तो फाइनली यार पहुंच गए हैं, मतलब बस पहुंचने ही वाले हैं, अभी हेलीपैड तक आ गए हम। और आज मौसम ख़राब है तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ रहा कोई, और अगर कोई संगते भी नहीं होते तो भी नहीं उड़ता। बाकी यहाँ हेलीपैड ये देख लो, और अब यहाँ से 0.5 रह गए किलोमीटर्स बस। ये देखो यार ये हेलीपैड है, और यहाँ हेलीकॉप्टर के चार्जेस होते हैं 3000, या लास्ट ईयर का बता रहा हूँ 3000 थे, अब कुछ बढ़ गया हो तो पता नहीं। बाकी आप यहाँ पे आगे पता कर सकते हो। और वो जो सामने टेंट्स देख रहे हो ना, वो टेंट्स भाई वैली ऑफ फ्लावर्स जो आते हैं उनके लिए है। बाकी रुक सकते हो आप भी, मैं आपको रेट बताता हूँ वहाँ पे जाके। यार ये देख लो, ये कैंप वाले एरिया हैं सारे, वैसे तो जहाँ तक मुझे पता है जो वैली ऑफ फ्लावर्स जाते हैं उनके लिए होते हैं, बट मैं अगर नंबर दे रहा हूँ आप कॉल कर लेना, अगर नंबर से आपके कॉल बुक हो सकते हैं तो कर लेना, मैंने आपको बता दिया। और बाकी फिर चार्जेस किसी से पूछ लेता हूँ कि क्या चार्जेस होने वाले हैं कैंप के। हाँ भैया कितने चार्जेस होते हैं इसके कैंप के रुकने के? 3000 रुपये। 3000 होता है डबल बेड का, ट्रिपल बेड है 4000। तो मैंने आपको नंबर दे दिए, आप देख लेना भाई, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में आए थे कि टेंट का बताओ, तो मैंने बता दिया भाई 3000 रुपीज़ 4000 रुपीज़ होता है। देख लो भाई, बस ये लास्ट शॉर्टकट ले लूँ और उसके बाद सीधा गुरुद्वारा गोविंद धाम आ जाएगा, मतलब गंगारिया विलेज स्टार्ट हो जाएगा पूरा। जो मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ वो सिर्फ इजीली ले रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है जो ले सकता हूँ, रिस्की वाले मैं अवॉइड कर रहा हूँ सारे। बस यार एक आदत बनी हुई है शॉर्टकट लेने की, बाकी फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, बल्कि थकान हो जाती है, बस एक आदत है उसी को कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। सो फाइनली यार गंगारिया विलेज में पहुंच चुके हैं, और गुरुद्वारा साहिब बस यहाँ से 100 मीटर दूरी है। और यहाँ पे देखो काफ़ी चेंजेस हो गए, हॉर्स शेड भी बन गया, और सामने स्नो देखो यार, वो वैली ऑफ फ्लावर्स है, पूरी स्नो है आगे। यहाँ पे गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब के पास काफ़ी सारे बाहर स्टे ऑप्शंस भी हैं, अगर आपको गुरुद्वारे में नहीं मिलते तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और शॉप्स वगैरह भी बहुत है। एंड
यहाँ पे आके आपके नेटवर्क्स आ जाएंगे। जियो का नेटवर्क आ रहा है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नाइट के टाइम चलेगा। बाकी होटल्स वगैरह की फैसिलिटी तो पूरी है और प्राइजेस वगैरह अभी देखते हैं भाई। पहले हम देखते हैं हमें गुरुद्वारे में मिलता तो ठीक है, ये तो फिर बाहर जो भी लेंगे उसका प्राइस आपको बता दूंगा मैं। बाकी ये देख लो पूरा का पूरा इस बार सजा भी रखा है आर्टिफिशियल फ्लावर्स से। एक चीज़ और बताऊँ, वेट ना कम से कम लाना। वैसे आपको ना यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रेंट पे भी मिल जाएंगी, जैकेट जैकेट हो गए, बैग हो गए, क्योंकि जो किलोमीटर्स हैं वो बहुत हैं और बैग भी होगा तो कम से कम ही लाना। बाकी ये देख लो यार बहुत प्यारा लग रहा है जो सजा दिया इस बार, ये पूरा गली सजी हुई है। सो फाइनली यार हाफ वे कम्प्लीट हो चुका है और गुरुद्वारा गोविंद धाम तक पहुंच चुके हैं। अगर अंदर जाते हैं रूम्स वगैरह का देखते हैं क्या सीन है। ये देख लो यार यहाँ पे मिलते हैं रूम्स वगैरह, यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, अब मैं बाहर ढूंढने जा रहा हूँ। सो यार मैंने दिखा दिया भाई, गुरुद्वारा साहब में तो कोई रूम अवेलेबल नहीं था, हॉल मिल रहे थे एंड हॉल लेने का तो कोई फायदा नहीं था यार, क्योंकि ना बाहर वो कह रहे थे कि आप ये देखो, मैंने पैसे टोकन तो करवा लिया था, हॉल कह रहे थे कि आप लोग वहाँ से ना अपना गद्दे वगैरह उठाओ और लेट जाओ जहाँ जगह मिलती है। तो हमने रूम ले लिया बिल्कुल गुरुद्वारे के थोड़ा सा राइट साइड में है और रूम देख लो भाई कैसा सा है, एक नंबर का देख रहे हो भाई, एक नंबर का रूम है, मतलब वाकई में एक नंबर फाइव स्टार। तो सो ये रूम ना भाई हमें पड़ा है 2500 का, वैसे 3000 बोल रहे थे, 2500 का पड़ा है। और यार हम ना सही टाइम पे भी पहुंच गए थे, और अगर लेट पहुंचते, भाई खुद कह रहा है अगर भाई आप थोड़ी लेट आओगे ना तो यही रूम वाला मजबूरी में लोग लेते हैं 6,000-5,000। तो यार मैं यही कहूंगा सुबह सुबह जल्दी निकल जाए ना, गुरुद्वारे में भी वैसे तो फैमिली को प्रेफरेंस दी जाती है, गुरुद्वारे में आपको फैमिली को वालों को मिल जाएगी और आसपास अगर लोगे तो 2500-2000 का मिल जाएंगे अगर जल्दी पहुंचोगे। और अगर बाद में पहुंचते हो 7-8 बजे फिर तो कोई रेट ही नहीं है भाई, जो मजबूरी में आपको लेना ही पड़ेगा। तो बाकी आज की यात्रा हमारी गोविंद धाम तक की होगी है भाई, यात्रा सही रही आज की, एक नंबर भाई। तो बाकी अभी दर्शन करने जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा दर्शन। और बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और प्लीज मेरे को सपोर्ट करो। मिलते हैं ऐसे एक बड़े से नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।